अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हाल हैं? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अभी मैं निकला हूँ, आज मैंने छुट्टी की ऑफिस की, मैंने आज छुट्टी की ऑफिस की और अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा घर का सामान लेने। तो मैंने सोचा कि आज की मैं आपको चलते हुए एक वीडियो दिखाऊँ, थोड़ी सोसाइटी की भी और बाहर की भी वीडियो दिखाऊँ। और व्यूअर्स, अभी मैं काफ़ी चीज़ें घर की ख़त्म हो गई है तो वो मुझे लेनी है। एक तो ये कि बेकरी पे जाना है और घर का सामान भी लेना है, सब्ज़ी भी लेनी है, बहुत सारी चीज़ें लेनी है। तो इसी वजह से मैंने आज छुट्टी की है, क्योंकि सारी चीज़ें ना तकरीबन 90% जो है ना सारी चीज़ें घर में ख़त्म हो गई है। तो बस ये है कि अभी मैं वहीं पर जा रहा हूँ तो मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। ये हमारी सोसाइटी है, ये मेरे पीछे देखें व्यूअर्स, ये देखें, ये सामने देखें, ये हमारी सोसाइटी है। ये साइड में दरख्त लगे हुए हैं, सोसाइटी में हरियाली हरियाली है माशाल्लाह। ये मेन गेट है व्यूअर्स, ये हमारे सिक्योरिटी वाले बैठे हुए हैं, ये मेन गेट है सोसाइटी की। व्यूअर्स, ये व्यू देखें आप, बाहर का व्यू देखें। ये सामने फैक्ट्रियाँ हैं, इंडस्ट्रियल एरिया ये। व्यूअर्स, ये सामने जो है ना लाइन में ये सारी फैक्ट्रियाँ हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा ये। ये मेन रोड है हमारी सोसाइटी का। आप रोड का व्यू देखें व्यूअर्स, ये डंपर आ रहा है, ये हमारी सोसाइटी की गेट है, ये सोसाइटी की गेट है और ये मेन रोड है। ये यहाँ पे व्यूअर्स हैवी ट्रैफिक जाती है यहाँ से। व्यूअर्स, ये मेन रोड है, ये सोसाइटी का ये फुटपाथ है, मैं सोसाइटी के फुटपाथ पे चल रहा हूँ और ये मेन रोड है। ये कोरंगी का इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पे व्यूअर्स बहुत हैवी ट्रैफिक होती है यहाँ पे दिन में। तो बस ये है कि मैंने सोचा कि आपको ये एक अच्छी सी वीडियो बना के दिखाऊं। व्यूअर्स, ये व्यू देखें, ये सामने हमारी सोसाइटी अंदर, ये साइड में सोसाइटी के बाहर जो है हमारे ये हरियाली हरियाली है, ये दरख्त लगे हुए साइड में। ये सामने देखें, ये फुटपाथ। व्यूअर्स, मैं सामने आपको दिखाता हूँ गुल्लामंद का आउटलुक है, आइडियाज मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पीछे देखें, व्यूअर्स ये देखें मेरे पीछे, व्यूअर्स ये देखें अपना आइडियाज गुल्लामंद का, ये आउटलेट है आइडियाज और ये गुल्लामंद की फैक्ट्री भी है इसके पीछे। व्यूअर्स, मार्केट जो है हमारे सोसाइटी से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर है। तो बस ये है कि मैंने सोचा कि थोड़ा सा मुझे बेकरी में भी जाना है, बेकरी यहाँ से तकरीबन 1.25 किलोमीटर दूर है। तो मैंने सोचा कि एक पैदल की मैं वीडियो बनाऊँ, मैं आपको दिखाऊँ। तो व्यूअर्स, ये मेन रोड है कोरंगी का, हमारी जो सोसाइटी आती है ये कोरंगी कराची में आती है। व्यूअर्स, जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सब्सक्राइब करें और कमेंट्स दें, मुझे सजेशन दें और मुझे बताएं कि मैं कौन सी वीडियो बनाऊं और मुझे वीडियो के बारे में बताएं और सजेशन दें और मुझे कमेंट्स करके बताएं ताकि आपके में आइडिया मैं अपनी वीडियो में यूज़ करूं।
व्यूवर्स, हमारी सोसाइटी से जो हमारा बस स्टैंड है तो मैं यहाँ से पैदल जाता हूँ, आधा किलोमीटर पौना किलोमीटर दूर है यहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो क्योंकि मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती तो इसीलिए मैं बस में आता हूँ। तो यहाँ से मैं पैदल जाता हूँ। असल में क्या है, पैदल में जाता हूँ तो वॉक भी हो जाती है और वॉक से सेहत भी बनती है। तो बस मेरी रूटीन यही होती है, यहाँ से मैं पैदल जाता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, कहीं भी यहाँ पे करीबी काम होता है। व्यूअर्स, अभी थोड़ी देर में तकरीबन बेकरी आने वाली है, थोड़ी दूर है। व्यूअर्स, ये मेरे पीछे या मेरे साथ जो है मेन रोड है और यहाँ पे ट्रैफिक रवान दवा है माशाल्लाह। ये देखिए पब्लिक कमर्शियल ट्रांसपोर्ट यहाँ पे ज़्यादा होता है। ये यहाँ पे फैक्ट्रियों के ट्राले जाते हैं, यहाँ पे बसें जाती हैं, ट्रक जाती हैं बहुत सारी। व्यूअर्स, मेरे पीछे देखें, ये मेन रोड, मैं आपको फ्रंट का दिखाता हूँ। व्यूअर्स, ये जो इलाका है यहाँ पे फैक्ट्रियाँ ज़्यादा हैं, यहाँ पे टेक्सटाइल मिले कपड़ों की है, केमिकल की है और लेदर की है। तो यहाँ पे बहुत हैवी ट्रैफिक होती है और कमर्शियल भी ट्रैफिक बहुत होती है यहाँ पे। ये देखें व्यूअर्स, हमारी अभी तक सोसाइटी चल रही है, तकरीबन एक किलोमीटर चलती है ये सोसाइटी। तो ये सोसाइटी के बाहर दरख्त लगे हुए हैं, ये सात दरख्त चल रहे हैं सोसाइटी के। व्यूअर्स, मुझे सब्सक्राइब लाजमी करें, मेरी वीडियो कंप्लीट देखें और आपकी सपोर्ट चाहिए, फुल सपोर्ट चाहिए। तो व्यूअर्स, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिए, अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। अस्सलाम वालेकुम।